स्टार्ट करते हैं 2017 के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन से। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2016 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2017, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बाय द वे आंसर एग्जाम में गलत दे रखा था, और हर साल लिमसेट या कोई भी एग्जाम होता है 3 to 4 क्वेश्चंस मान के चलो आंसर्स रॉन्ग आते हैं, और उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं स्टूडेंट। और अगर खास तौर से वो सिंपल क्वेश्चन है तब तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसका dy/dx निकालना है, तो कॉस स्क्वायर का पहले करेंगे तो आएगा 2 cos x square, फिर हम कॉस का करेंगे, कॉस का आएगा -sin x square, फिर x स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2x। तो दिस इज फाइनली -4x cos x square साइन एक्स स्क्वायर। इन दिस वे, वैसे तो ये आंसर हो सकता था लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये आंसर नहीं है, तो ये आंसर गलत थे इसके सारे 2017 में, तो ये आंसर आ रहा था। तो इस बात के लिए अवेयर रहना है कि मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन मान के चलो हर साल गलत आते हैं, और अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन गलत आ गया तो उसमें 10 से 15 मिनट वेस्ट कर देते हैं लोग, बार बार करते हैं, बार बार चेक करते हैं इसको। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसका डिफरेंशिएशन। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है 2017 का, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x square, e^x का e^x, 3^x का क्या होता है a^x का आता है a^x log a/e, और cot x का क्या आएगा -cosec^x। तो सिंपली इट्स आंसर इज फर्स्ट ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी 2017 का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2017 में आया है। अच्छा, कैलकुलस में अगर बेस नहीं दे रखा हो लॉग का तो बेस को हम ई लेते हैं, -ln(ln x), एक्स 1 से बड़ा है, डोमेन तो मैं दे रखा है, तो dy/dx इज -1/ln x, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ln x का क्या आ जाएगा 1/x। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इट्स आंसर इज ए, इसका आंसर क्या हो गया ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2015 में आ चुका है क्वेश्चन, और तब भी हमने डिस्कस करा था, और इसका आंसर आता है डी, d2x/dy2 का डिफरेंशिएशन आता है -d2y/dx² dy/dx का होल क्यूब। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2015 में भी आया और 18 में भी आया, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करके दिखा देते हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि डबल डेरिवेटिव जब होता है तो d2y/dx² का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx, dy/dx को हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो दैट इज d2y/dx². और यहाँ पे ध्यान से एक बात देखनी है कि 2 देख रहे हो, d के ऊपर आता है यहाँ 2, और यहाँ 2 x के ऊपर आता है, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फिर से एक बार, तो वी नो dy/dx इज 1/dx/dy, सो इसको हम लिख सकते हैं dx/dy^-1। और बाय द वे हमें निकालना क्या है, d2x/dy2, तो इसका मतलब ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ dx/dy विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ये dy/dx हो गया तुम्हारा dx-dy^-1। अब फर्दर तुम निकाल लो d2y/dx², अभी देखा था हमने d2y/dx² होता क्या है, दैट इज d/dx/dy/dx, एंड dy/dx गिवन क्या है तुम्हें, ये गिवन है, तो dy/dx की जगह हम रख देंगे dx/dy^-1। अब इसको तुम डिफरेंशिएट जब करोगे तो माइनस साइन इधर आएगा,
साथ में आएगा dx बाय डी वाई टू द पावर माइनस टू, और फिर इसका डिफरेंशिएशन d बाय डी एक्स ऑफ dx बाय डी वाई, ठीक है। अच्छा, चूंकि हमें डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू निकालना है, तो जरा इसको ध्यान से देखो, इस पार्ट को। तो ये dx बाय डी वाई किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए? dy के रिस्पेक्ट में, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो हेंस यहां पे देखो फर्दर क्या कर रहे हैं, यहां पे हम इस जगह dy बाय dx से dy से डिवाइड करेंगे और dy से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा पैरामेट्रिक फॉर्म में करते हैं हम लोग। dy से डिवाइड कर लो और dy से मल्टीप्लाई कर लो, और ये dx इधर आ जाएगा। ओके, सॉरी ये माइनस टू है, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अच्छा, dy बाई dx का होल स्क्वायर, और लास्ट में देखो ये भी dy बाई dx लिखा है, एंड ये अभी डिस्कस कराया हम लोगों ने, दिस इज डी टू एक्स बाय डी वाई टू, यही हमें निकालना है। और ये पूरी चीज क्या आ रही थी? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो। अच्छा, ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे ये डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। तो डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू इज माइनस टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स की पार माइनस थ्री इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन 2015 में जब आया था तो आंसर गलत दे रखा था, 2018 में आया है तो आंसर सही है इसका। 2015 में कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा था इसमें, तो इस चीज के लिए बहुत अलर्ट रहना है कि 3 to 4 क्वेश्चन मान के चलो गलत आते हैं, सारे ही गलत नहीं आते। नाउ दिस क्वेश्चन, यहां पे सबसे पहले तो बेस चेंज का तरीका समझते हैं। लॉग बी बेस ए अगर है तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग बी अपॉन लॉग ए। इसका बेस कुछ भी हो सकता है, यहां पे बेस तुम कुछ भी रख सकते हो। तो दिस विल बी लॉग बी अपॉन लॉग ए, बेस में तुम ई भी कर सकते हो। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो ऐसे केस में एक को यू मान लो और एक को वी मान लो, और हमें निकालना है डी यू बाई डी बी। क्या निकालना है? डी यू बाई डी बी। तो पहले तो हम यू को देखते हैं, यू इज लॉग एक्स बेस टेन, लॉग एक्स बेस टेन को तुम लिख सकते हो लॉग एक्स अपॉन लॉग टेन। बेस में क्या लिख लेना चाहिए? ई, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसी का हमें पता होता है। और एक चीज और पता होनी चाहिए, लॉग बी बेस ए इज वन अपॉन लॉग ए बेस बी। तो इसको जब हम ऊपर लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा लॉग, ये देख लो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ए और बी, ए और बी क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। तो ये जब ऊपर लाएंगे तो दिस विल बी लॉग 10, यहां पे बेस ई, एंड दिस इज एलेन एक्स। एलेन एक्स मतलब क्या होता है? लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। अब यहां पे तुम निकाल लो डी यू बाई डी एक्स, पहले डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे तो यह आएगा लॉग ई बेस 10, और एलेन एक्स का क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स। Now v, v क्या दे रखा है? ये v is log 10 base x, log 10 base x अगर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो जरा, v is log 10 base x, इसको ऐसे लिख लो log 10 अपॉन लॉग एक्स, और बेस में हो जाएगा ई। लॉग टेन बेस ई, और ये हो गया एलेन एक्स की पार माइनस वन, ठीक है। अब तुम निकाल लो डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स आएगा लॉग टेन बेस ई,
एल एन एक्स की पावर माइनस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा और हो जाएगा एल एन एक्स की पावर माइनस टू और एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब नाउ हमें निकालना है डी यू बाई डी वी। देख लो क्या निकालना है, डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी वी निकालना है। तो डी यू बाई डी वी आएगा डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। अब फिर से देख लो डी यू बाई डी एक्स क्या आ रहा था, डी यू बाई डी एक्स ये आ रहा था, दिस इज डी यू बाई डी एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स है और डी वी बाई डी एक्स ये है पूरा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू उठा के हम यहां रख देते हैं, डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स हो गया तुम्हारा लॉग e बेस 10 अपॉन एक्स और इसको डिवाइड करना है तो दिस इज लॉग 10 बेस e, माइनस साइन भी एक आएगा, ये वाला माइनस साइन, एल एन एक्स की पार माइनस टू और वन बाय एक्स। ठीक है, नाउ ये वन बाय एक्स ऊपर ले जाओ, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे या हम बेहतर है कि इसको नीचे ले आए। इसको अगर हम नीचे लाते हैं और एल एन एक्स की पावर माइनस टू है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एल एन एक्स का स्क्वायर और इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा ई और टेन दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो बेस में ई और इधर टेन एंड इधर भी लॉग टेन बेस ई, तो दिस इज माइनस एल एन एक्स मतलब लॉग एक्स बेस ई होल स्क्वायर अपॉन लॉग टेन बेस ई होल स्क्वायर, तो दिस इज आंसर। और कई बार लॉग का बेस नहीं दे रखा होता है तो इट्स आंसर इज ए, इट्स आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये 2018 का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशियबल है कि नहीं है इस फंक्शन के बारे में हमें बात करनी है। तो जहां पे भी मॉड लगा होता है हमें पता होना चाहिए, जहां मॉड लगा है तो पहले तो मॉड साइन हटाओ, इफ एक्स इज पॉजिटिव तो मॉड एक्स की जगह एक्स रख दो, इफ एक्स इज नेगेटिव तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो। अब देखो बहुत सिंपल है, हमें डिफरेंशियबिलिटी बतानी है, पहले हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा क्योंकि मॉड एक्स प्लस वन कभी भी जीरो नहीं हो। ठीक है, तो डोमेन ऑल रियल नंबर है। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या निकालना होता है, एल एच एल, एल एच एल कहां पे निकालेंगे, जीरो पे, जीरो से पहले, आर एच एल निकालेंगे जीरो के बाद में, तो एल एच एल में जीरो उठा के यहां रख दो तो एल एच एल क्या आ गया, जीरो, आर एच एल में जीरो उठा के यहां रख दो तो आर एच एल भी क्या आ गया, जीरो, और एफ ऑफ जीरो, जीरो पे इक्वलिटी यहीं बनी है तो एफ ऑफ जीरो भी यहीं से आएगा, दैट इज ऑल्सो जीरो। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जीरो पे, अगर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता तो ऑब्वियसली नॉट डिफरेंशियबल भी होता। अब देखो डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक कर रहे हैं, हर जगह एल एच डी आर एच डी का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, तुम सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो और जीरो रख दो तो वो आर एच डी आ जाता है, जीरो के बाद में कर रहे हैं तो आर एच डी आ जाएगा। सिंपली क्या करा हमने, डिफरेंशिएट करा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज आता है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, फिर एक्स एज इट इज आया, वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो दिस इज वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां उठा के तुम जीरो रख दोगे तो जीरो पे आर एच डी आ जाएगा, दैट इज वन, फिर एल एच डी, एल एच डी जीरो के पहले तुम इसको डिफरेंशिएट कर लो, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्वेश्चन टूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, वन माइनस एक्स एज इट इज आता है, एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एक्स एज इट इज आता है, वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन,
तो ये फिर से आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और जीरो उठा के यहां रख दो तो दिस इज अगेन 1। तो डाउटफुल पॉइंट था जीरो, और उस पे भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी एलएचडी। डाउटफुल पॉइंट था जीरो, वहां पे एलएचडी आरएचडी दोनों ही 1 आ रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशियबल होगा, कॉन्टिन्यूस भी है जीरो पे एंड डिफरेंशियबल ही है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमेशा ही जहां पे डाउटफुल पॉइंट है वहां पे भी डिफरेंशियबल है, तो फिर ये हमेशा ही डिफरेंशियबल होगा। तो इट्स आंसर इज बी। और 2019 में भी इसका क्वेश्चन आया है, तो उसका पूरा पेपर तुम्हें मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ निमसेट 2019 करके। तो उसमें एक्स स्क्वायर साइन 1/x की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करी थी, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो था। तो 2019 का पेपर का सोल्यूशन तुम्हें वहां से मिल जाएगा। तो ये 2018 तक के सोल्यूशन हो गए डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियबिलिटी के जो क्वेश्चंस आए थे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह के क्वेश्चंस देखेंगे निम्न सेट के।